हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है। मैं आपके साथ फिर एक बार जुड़ा हूँ। मैं अपने पिछले वीडियो में बनाया था कि व्हाट इज सेफ्टी एंड व्हाट इज हैजार्ड। उसमें बहुत सारे आपके कमेंट्स आए कि सर और भी वीडियो बनाइए। जिसने भी मेरा वीडियो नहीं देखा है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसमें देखें। और मैं आज आपके साथ फिर एक बार दूसरा नया टॉपिक लेके आया हूँ, व्हाई सेफ्टी, सेफ्टी का नॉर्म्स क्यों फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वो आज मैं आपके साथ उसको एलोब्रेट करने वाला हूं, बताने वाला हूं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद हो, लाइक हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं कि सेफ्टी क्यों फॉलो करना चाहिए, वाई सेफ्टी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है वाई सेफ्टी, सेफ्टी क्यों। मैं तो बोलूंगा मैं सेफ्टी नहीं करता हूं, चलो क्या करना है, तो उसके बदले आप उसके लिए क्यों करना है ये जानना जरूरी है। तो पहला इसका पॉइंट है लीगल रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हमारा अलग संविधान में अलग अलग एक्ट्स बने हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट 1948, BOCW एक्ट 1996, उसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉलो करना ही करना है, कंपनी को फॉलो करना ही करना है। उसमें सेक्शन डाले हुए हैं कि अगर ये काम आप नहीं करते हो, लीगली इसको प्रोसीड नहीं करते हो, दैट मीन्स आपके ऊपर पेनल्टी, आपका प्रोजेक्ट बैन, तरह तरह के उसमें लीगल ऑब्लिगेशन आते हैं, जिसके वजह से ये लीगल जरूरी है हमें अपना सेफ्टी का नॉर्म, सेफ्टी का जो भी स्टैंडर्ड है उसको फुलफिल करना ही चाहिए और करना ही पड़ता है। उसके बाद सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब पैसे का जहां मामला आता है, पैसे का मामला जहां आता है वहां पे सब लोग थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो पैसे का मामला इसमें दो तरह से आते हैं, एक तो आता है डायरेक्ट और दूसरा आता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्टली जो हमको दिखता है, जो हमको दिखता है वो है डायरेक्ट कॉस्ट, और जो हमें नहीं दिखता है वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जो डायरेक्ट, जैसे कि आइसबर्ग थ्योरी में बोला जाता है, ठीक है, कि डायरेक्ट कॉस्ट कितना होगा तो उससे इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना आएगा। मैं इसके लिए आपके फिर एक अलग वीडियो बना के लेके आएगा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट पे। तब तक मैं केवल इतना ही आपको बता रहा हूं कि इकोनॉमिकल लेवल पे डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो जब कंपनियों को कॉस्ट इफेक्ट लगता है, कंपनियों को लगता है कि भाई मेरा पैसा इसमें जा रहा है, तो वहां वो कॉन्शियस हो जाते हैं, वो क्योंकि वो बिजनेसमैन है, वो थोड़ा सा पैसा लगा के ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, इसके लिए वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल पे ध्यान देते हैं। इसके बाद तीसरा अपना आता है मोराल। मोराल, जब तक आदमी का सही मोराल नहीं रहेगा, सही मानसिकता नहीं रहेगा, आपका बूस्टअप नहीं रहेगा काम करने के लिए, तब तक आपका सही यूटिलाइजेशन नहीं आ पाएगा। जैसे एक बोला जाता है राइट पर्सन राइट प्लेस एंड राइट जॉब। तो जब तक आदमी के अंदर वो काम करने की इच्छा शक्ति नहीं रहेगी, इफिशियंसी नहीं आएगी, मोराल नहीं रहेगा, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। तो जब जहां मान लीजिए एक्सीडेंट ज्यादा होता है, वहां पे लोगों का मोराल डिक्रीज होता है, तो कंपनियां क्या करती हैं, मोराल हाई करने के लिए सारी ये चीजें प्रोवाइड करती हैं, और अलग अलग जैसे कि मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है, उनको कहीं करियर इन्हेंसमेंट होता है, इस तरह मोराल इंक्रीज करने के लिए हमेशा जरूरी होता है कि सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो किया जाए। तो ये तीन जो एलिमेंट्स हैं, ये सेफ्टी का रूल फॉलो करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। इसलिए ये तीनों चीज को फॉलो, इस तीनों चीज के लिए सेफ्टी का रूल फॉलो किया जाता है। थैंक यू मेरे दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।